यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज ब्रिटेन की संसद को संबोधित करने वाले हैं। वो ब्रिटेन की संसद में अपनी बात रखेंगे और यूक्रेन के हालात के साथ युद्ध रोकने और मदद की अपील भी कर सकते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने कहा कि वो रूस के विदेश मंत्री लावरोव से गुरुवार को तुर्की में बात करने वाले हैं। कुलेबा ने यह भी जानकारी दी है कि वो यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच सीधी बातचीत का प्रस्ताव भी देंगे, क्योंकि पुतिन ही हैं जो अंतिम निर्णय लेते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी भिड़ंत का आज 13वां दिन है। रूस के तेज होते हमलों के बीच जापान ने ऑयल रिफाइनरी में प्रयोग होने वाले उपकरणों के निर्यात पर रोक लगा दी है। जापान ने पहले भी रूस पर कई प्रतिबंधों का ऐलान किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस पर प्रतिबंधों का लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक खबर के मुताबिक अभी तक रूस से तकरीबन 250 से ज्यादा कंपनियों ने या तो रूस छोड़ दिया है या अपने काम समेटने लगी है। यूक्रेन रूस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोग, और इसमें वैसी कंपनियां भी शामिल हैं जो होटल्स, फास्ट फूड और कंज्यूमर गुड्स का कारोबार करती हैं। यूक्रेन में बर्बादी और तबाही बढ़ती ही जा रही है। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर दर शहर कराह रहे हैं। ऐसे में विश्व बैंक ने यूक्रेन के लिए $730 बिलियन की मदद की पेशकश की है, ताकि यूक्रेन के नवनिर्माण में सहायता मिल सके। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो कीव में अपने घर पर हैं। मैं छुपा नहीं हूं और डरा भी नहीं हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। हम देश के लिए इस युद्ध को जरूर जीतेंगे। नेदरलैंड्स के हेग में यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई है। 27 फरवरी को इंटरनेशनल कोर्ट में यूक्रेन ने रूसी हमले के खिलाफ एक याचिका लगाई थी और रूसी हमले को एक अपराध बताया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार माइकल ने दावा किया है कि रूस की फौज की वजह से कई स्कूल्स और अस्पताल के अलावा 1,500 से ज्यादा रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। 900 से ज्यादा शहर और गांवों में बिजली और पानी की सुविधा खत्म हो गई है। पोडोलोइया, ये भी उन्होंने कहा कि रूसी सेना को ये पता नहीं है कि कैसे दूसरी सेना से मुकाबला किया जाता है, लेकिन उसे पता है कि नागरिकों को कैसे मारा जाता है। न्यूजीलैंड ने रूस के कई बड़े नेताओं पर न्यूजीलैंड आने पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के साथ 100 से ज्यादा रूसी अधिकारी भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने अब तक यूक्रेन में 11,000 से ज्यादा सैनिकों को खो दिया है। यह आंकड़ा चेचनिया से युद्ध में रूस के सैनिकों के शहीद होने की संख्या के पास पहुंचा गया है। चेचनिया में रूस के 12,467 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के दुश्मन देशों की एक लिस्ट को मंजूरी दे दी है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन समेत 31 देश शामिल हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जापान और यूरोपियन यूनियन के देशों के नाम हैं। रूस यूक्रेन जंग के चलते सीएनजी पंपों की सप्लाई पर भी असर दिखने लगा है। कानपुर में 12 सीएनजी पंप बंद हो गए हैं। पंप के मैनेजर के मुताबिक कानपुर कुल 41 सीएनजी स्टेशन हैं कानपुर में, और लेकिन 12 को सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। रूस कंपैक्ट नेचुरल गैस का बड़ा निर्यातक है। यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से रूस के बिजनेस टाइकून और बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। कई बड़े कारोबारियों की आधी संपत्ति इस युद्ध की भेंट चढ़ चुकी है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि ये लोग कभी भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। आज रूस पर आज यूरोपियन यूनियन भी प्रतिबंधों का ऐलान कर सकता है। यूक्रेन के शिक्षा मंत्री का दावा है कि रूस के हमले में यूक्रेन के 211 स्कूलों के को नुकसान पहुंचा है। पिछले 11 दिनों से यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है, जिससे यूक्रेन के कई पब्लिक बिल्डिंग को भी बहुत नुकसान हुआ है। यूक्रेन में रूस से युद्ध के दौरान लगाए गए मार्शल लॉ से उनके रक्षा खर्च में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब $1,000 का अतिरिक्त खर्च देश में मार्शल लॉ लगाने से आया है। यह खर्च पुतिन, नेशनल गार्ड और अन्य सैनिक इमरजेंसी सेवा के चलते बढ़ा है।
रूस यूक्रेन के तीसरे दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत में किसी भी तरह के युद्ध विराम पर बात नहीं बनी। पिछले दो दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों की बैठक में शहरों में फंसे नागरिकों के लिए मानवीय गलियारा बनाने पर भी चर्चा हुई, लेकिन यूक्रेन ने रूस और बेलारूस के लिए गलियारा बनाने से इनकार कर दिया, जिससे फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने पर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। यूक्रेन के सांसद येवेन शेवचेंको को यूक्रेन छोड़ने की कोशिश के दौरान हिरासत में ले लिया गया है। उनके सांसद को यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि उन्हें देश छोड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि नियमानुसार उनकी उम्र युद्ध लड़ने की है और वो देश छोड़कर जा रहे हैं। चेक रिपब्लिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शीर्ष राजकीय सम्मान से नवाजेगा। चेक के राष्ट्रपति मिलोस ने कहा है कि जेलेंस्की को उनकी बहादुरी और साहस के लिए सम्मानित किया जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में रूसी जनरल विटाली के मारे जाने की खबर है। सूत्रों का दावा है कि खार्किव के पास युद्ध में रूसी जनरल शहीद हुए। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए गुड न्यूज आई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। बीजेपी को 40% मत मिलने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की साइकिल पर मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर भारी पड़ता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान है। 2017 के चुनावों की तरह समाजवादी पार्टी को फिर झटका लग सकता है। एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीटें मिलने का अनुमान है और 36% वोट मिल सकते हैं। एग्जिट पोल में बीएसपी और कांग्रेस का खराब प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 से 9 सीट मिल सकने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को महज 1 से 3 सीट मिलेंगी। 403 सीट वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह बहुमत का आंकड़ा 202 है। 10 मार्च को वोटों की काउंटिंग के बाद फाइनल नतीजे आ जाएंगे। 7 चरणों में चुनाव हुए हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के भारी बहुमत से सरकार बनाने की उम्मीद नजर आ रही है। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक सभी सियासी पार्टियों पर भारी दिख रही है आम आदमी पार्टी। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी को 41% वोट मिल सकते हैं और 76 से 90 सीट्स मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को 19 से 31 सीट्स मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 28% वोट मिल सकता है। पंजाब के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन के लिए बुरी खबर है। महज 1 से 4 सीट्स पर बीजेपी गठबंधन सिमट सकता है, जबकि 7% वोट मिलने के आसार। एग्जिट पोल में पंजाब में अकाली दल की हालत भी पतली नजर आ रही है। 7 से 11 सीट्स मिलने का अनुमान है। पंजाब में कुल 117 सीटें और बहुमत के लिए आंकड़ा 60 के पार। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को 36 से 40 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में कांग्रेस की उम्मीदवारों को झटका लग सकता है। अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को उत्तराखंड में 20 से 30 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 40% वोट से संतुष्टि करनी पड़ सकती है। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल में गोवा में हंग असेंबली के आसार बन रहे हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 32% वोटों के साथ कांग्रेस को 15 से 20 सीट्स मिलने का अनुमान है, जबकि गोवा में बीजेपी को 14 से 18 सीट्स मिल सकती हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 33 से 43 सीट्स मिलने का अनुमान है, जबकि 41% वोट भी हासिल हो सकते हैं।
एग्जिट पोल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 4 से 8 सीट्स पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। मणिपुर में सरकार बनाने के लिए 31 सीट्स की जरूरत है। आज केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक कार्यान्वयन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेबिनार को संबोधित करने वाले हैं। इसमें केंद्र सरकार के 16 मंत्रियों के अलावा नीति आयोग, क्षमता निर्माण आयोग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। ये वेबिनार वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में की गई घोषणाओं पर आयोजित किए जा रहे विभिन्न योजनाओं का एक हिस्सा है। गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी IPFT सरकार के 4th वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे, जिसके लिए आज अमित शाह त्रिपुरा जाने वाले। आज प्रियंका गांधी वाड्रा जयपुर जाने वाली हैं, जहां वो महिला एवं बालिका मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर में हरियाणा में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद बजट पेश करने वाले हैं। इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। यूक्रेन से छात्रों की वापसी के बीच केंद्र सरकार ने देश में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती करने की पहल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आधी सीट्स पर सरकारी कॉलेजेस जितनी ही फी लगने वाली है। देशभर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। सामाजिक संगठन इस मौके पर कई तरह के आयोजन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी एक संगोष्ठी को संबोधित करने वाले हैं। शाम 6 बजे कच्छ के धोडो स्थित महिला संत शिविर में आयोजन होने जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार विजेता महिलाओं से बात भी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके अपनी भावनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें मन की बात के दौरान कुछ महिलाओं की जीवन यात्रा से जुड़ी जानकारी बताई गई है। आज महिलाओं के संघर्ष और उपलब्धियों की सराहना का दिन है। इस बार जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो थीम पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शोकिया टैक्सी ड्राइविंग करके मीनाक्षी नेगी मिसाल पेश कर रही हैं। शिमला की एकमात्र महिला टैक्सी चालक के काम से यात्री भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने से मीनाक्षी ने ड्राइविंग के क्षेत्र में कदम रखा था। पिछले 4 सालों से कमर्शियल ड्राइविंग कर रही हैं। अमेरिका समेत 10 देशों ने उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण की निंदा की है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया है। 4 मार्च को उत्तर कोरिया में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चला है कि 2018 में बंद होने के बाद उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण स्थल पर फिर से गतिविधियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इससे दुनिया को ये लगने लगा है कि उत्तर कोरिया एक बार फिर हथियारों का परीक्षण शुरू कर सकता है। नया DCT का कोरोना से जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसकी खोज की है। दावा किया जा रहा है कि यह टीका सभी वेरिएंट पर कारगर साबित हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन साइंस एजेंसी ने इस देशी टीके पर मुहर लगा दी है। दिल्ली को 100 CNG बसों और 1 इलेक्ट्रिक बस की सौगात मिली है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। अगर आप में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और दृढ़ निश्चय हो तो उम्र की कोई सीमा नहीं होती, मायने नहीं रखता। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है हिमाचल के सक्षम ने। हिमाचल के बिलासपुर के 8 साल के सक्षम की अद्भुत प्रतिभा सामने आई है। समक्ष ने 3 मिनट 7 सेकंड्स में 195 देशों के झंडे की पहचान करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। कोविड की वजह से 2 सालों बाद ऑफलाइन एग्जाम होने पर दार्जिलिंग पुलिस ने छात्रों के लिए अनोखी पहल की है। पुलिस ने परीक्षा देने जा रहे छात्रों को फूल और कलम देकर उन्हें शुभकामनाएं दी।
अलीगढ़ में पैड विमेन दिव्या महिलाओं को स्वावलंबी बना रही हैं। सैनिटरी पैड के कारोबार से महिलाओं को रोजगार भी मुहैया करा रही हैं। उनके यहाँ तैयार किए गए पैड वाराणसी, सागर और पंजाब तक जाते हैं। महिला दिवस पर दिव्या को लखनऊ में सम्मानित करने के लिए भी बुलाया गया है।